ये जो सरवर चिश्ती है अंजुमन सचिव, ये बेहुदा हरकतें कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हसीब रजा और आप देख रहे हैं चेस वर्ल्ड 92। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपने जो शुरू में वीडियो देखा है अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से जो है ये कहना है कि अगर आपके पास वक्त है वीडियो देखने का तो देखिए, वरना फटाक से वीडियो को छोड़ दीजिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें आप हमसे ले लें। देखिए दोस्तों, जब से सरवर चिश्ती ने ये लेटर पैड जारी किया कि दरगाह गरीब नवाज पर कोई बरेलवी उलमा, कोई बरेलवी मौलाना यहाँ पर आकर के सलाम नहीं पढ़ेगा, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ेगा, और ना ही यहाँ पर किसी मस्जिद में तकरीर करेगा, और ना ही बरेली के मुतालिक कोई जो है लेटर या कोई पर्चा वगैरह यहाँ पर बांटेगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे अजी दोस्तों, उन खादिमों का ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ हमारी चलेगी, जो हम चाहेंगे वो होगा। तो जब से ये लेटर पैट और इस प्रकार की बयानबाजी दरगाह गरीब नवाज से खुदामों ने की है, सोशल मीडिया पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। आवाम भी परेशान है, खवास भी परेशान है, सारे के सारे लोग इस पर नाराज़गी जो है पेश कर रखे हैं, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लोग जो है इस मामले को लेकर के नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, अभी एक वीडियो हमारे सामने आया जो हम आपको अभी दिखाएंगे और सुनवाएंगे, जिसमें जो है सरवर चिश्ती के खिलाफ FIR की मांग की जा रही है। दोस्तों, इस प्रकार से सोशल मीडिया पर कई वीडियो गर्दिश कर रखे हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारी वीडियो, वो सारा अपडेट आप लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, ज़रूरी यह है कि चैनल से आप जुड़ जाएं, चैनल को आप फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्द और पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक इस तरह के अपडेट लेकर हाजिर हों। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात हम आप लोगों को और बता दें, हालाँकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि दरगाह आला हज़रत से भी जो है एक ऐलान आ चुका है, एक बयान आ चुका है इन खादिमों के लिए। हसन मियां साहब ने जो है इस पर बयान दिया है कि इन लोगों ने जो ये पाबंदी लगाई आला हज़रत के सलाम और कलाम में, तो अगर इसमें कोई कमी है, कोई ख़राबी है, तो हमें बताया जाए। लेकिन दोस्तों, अभी जो है उन खादिमों का इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, अपनी नाराज़गी जो है पेश कर रखे हैं, और मैंने अभी आप लोगों को बताया, और मैं अभी आपको ये वीडियो भी सुनवाऊँगा और दिखाऊँगा जिसमें लोग कह रहे हैं कि सरवर चिश्ती के खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे, FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आइए वही वीडियो देख लेते हैं, और दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय और अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों की खिदमत में ऐसे ही अपडेट लेकर हाजिर होते रहते हैं। बरकत के खिलाफ अनलगढ़ बयानबाजी करके ये समाज को और धर्म के ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, सामने उर्स है। हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है, ये जो सरवर चिश्ती है अंजुमन सचिव, ये बेहुदा हरकतें कर रहा है, और ये धर्म के विपरीत जो सद्भावनाएं बनी हुई है, जो मोहब्बत का पैगाम ख्वाजा साहब ने दिया था, लेकिन ये उसके विपरीत उल्टा चल रहे हैं, और ये ठेस पहुंचा रहे हैं धर्म को। हमारे बरेली से जो मरकज है आला हजरत का, उनके खिलाफ ये अनलगल बयानबाजी कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि अभी जो उनका विशाल हुआ, 3 करोड़ लोग जमा हुए, क्या खादिमों को पता नहीं है उनका अंदाजा जमा हुए क्या खादिमों को पता नहीं है उनका अंदाज़ा नहीं है उस मरकज का? तो ये इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सलाम पढ़ो, ये मत पढ़ो। क्या अब ये हो जाएगा कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, या फिर इनके कहने पर हम पढ़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। दिल की इच्छा रखने के लिए ख्वाजा साहब के पास आते हैं लोग, और जो दिल के उद्गार निकलते हैं वही पेश करता है। हम सलाम पढ़ते हैं, उसको ना रोका जाए, और ये उसके माहौल को देखते हुए इस तरीके की हरकत कर रहा है। ये आगे भी कई मामलों में इन लोगों ने अजमेर का नाम संसार किया है। आप चाहे कन्हैया का मामला ले लो, दुकानों के खिलाफ कि इस दुकान से खरीदो, इस दुकान से मत खरीदो, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये इस तरीके से सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, उसमें भी ये चाहेंगे कि ये माहौल बिगड़े। हमने इसी के तहत ज्ञापन दिया है कि इसको पाबंद किया जाए, इसके खिलाफ भारतीय संविधान की जो धारा बनती है उस धारा के मुताबिक इसके ऊपर कैस करके इसको अंदर किया जाए, ताकि आने वाले जो जायरीन हैं उनका गुस्सा ना फूटे, उससे पहले इसको पाबंद किया जाए। किस तरह का बयान उन्होंने दिया है? इन्होंने ये बयान दिया है सर कि दरगाह के अंदर सफ़ेद पगड़ी वाले, हरी पगड़ी वाले ना आ सकते,
और ना ही वो किसी तरह का अपना उद्गार, अपनी नात, अपनी कवाली। इनका इंटेंशन ये है कि जो हम कहें वो पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अपने अंदाज में कोई भी पढ़ सकता है। ये कहते हैं या नबी सलाम अलैका, वो अरबी अल्फाज है। हमारे जो पीर ने बताया, जो लिखा है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, बात एक ही है, पैरेलल है दोनों, वो अरबी में है, ये उर्दू में है। तो अरबी लैंग्वेज जानने वाला अरबी में पढ़ेगा, उर्दू की लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जानने वाला हिंदी में पढ़ेगा। तो ये रोक कौन लगा सकते हैं, कौन होते हैं ये रोक लगाने वाले? क्या आपने आज मांग की है और किस तरह की कार्रवाई करना? हमने यही मांग की है कि इनको पाबंद किया जाए, और किसी को दर्शन करने के लिए, दर्शन लेने के लिए जो आता है, ख्वाजा साहब की हाजिरी देने आता है, उनके दिलों के ऊपर ठेस ना पहुँचाई जाए। जो वो अपने चुप अंदाज में या आवाज़ में जो ख्वाजा साहब को उपहार देना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, वो उनको रोका ना जाए। हमने मांग की है और हर जगह हमने ये मांग की है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अभी तो हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, अब हमारे जो जितने भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन सैयद ज़ादगान खुदाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर। हुजूर ख्वाजा फरीद नाज़ रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स शुरू होने को हैं। आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है और ये दोष गुजार करना भी चाहते हैं कि उस दुनिया को मालूम भी है कि यहाँ हर धर्म संप्रदाय के, हर मजहब व मिल्लत के, हर मस्तक के, हर डिनोमिनेशन के और हर संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं, लिहाजा यहाँ किसी किस्म की नारेबाजी ना हो। गुज़िश्ता कुछ सालों से देखा गया है कि एक खास मखसूस मस्तक के लोग यहाँ के नारेबाजी करते हैं, जिसकी वजह से कई बार माहौल बिगड़ा है और स्टैम्पेड होने का खतरा भी मंडराता रहा है। तो बराए करम इस किस्म की कोई नाजेबा हरकत ना करें, जिससे कि नायबुन नबी अताए रसूल हुजूर करीम नाज़ के आस्ताने पर हर्फ आए। हुरमत का ख्याल रखें और जमाना कदीम से यहाँ पर या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका सलाम पढ़ा जाता है, इसके अलावा कोई सलाम ना पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ आकर अपने अपने सलाम पढ़कर तफरीक पैदा ना करें। इस मुतालिक 2018 में भी हमारे लोगों ने एक रिपोर्ट की थी और इस साल भी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखा है। इसलिए लिखा है ताकि किसी किस्म का माहौल खराब ना हो, भगदड़ ना हो। यहाँ पे हम उस सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं। हर खानका, हर दरगाह, हर मदारिस, हर मेंबर और हर इंस्टीट्यूशन का एक नज़्मो ज़ब्त होता है। नज़्मो ज़ब्त है कि यहाँ या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका के अलावा कोई भी कला, कोई भी सलाम नहीं पढ़ा जाता है। और हम जब रोकते हैं तो आप लोग हम पर बेवजह के फतवे लगाते हैं, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, हमारे हसब नसब पर हमला करते हैं और बिला वजह की हम पर इल्जाम तराशी करते हैं। यही सबब है कभी किसी को गुमराह, कभी किसी को सुल्ले कुल्ली, कभी किसी को राफजी, तो किसी को काफिर कह के उनको अलकाबों से नवाजा जाता है। बराए करम इस खानका की हुरमत का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।